स्विमिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अटेंशन एंड माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है. These are the points which were somehow missing from our lives. आज जब हम बात करने जा रहे हैं आप तमाम volunteers से, तो we are interested in determining कि what are the healing patterns for the community at large. Somehow the discussion or the interactive session of today is not going to focus on the population which is known as clinical population. हम लोग clinically significant population for stress, depression, anxiety, loneliness, withdrawal इस तरह की चीजें बातें नहीं करना चाहते. तो लोग तो साइकियाट्रिक एलिमेंट्स के दायरे में आते हैं और स्क्रीनिंग के बाद किसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के साथ आते हैं. वो तो साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बगैर उनको एक लेवल ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन मैनेजमेंट या स्ट्रीमलाइनिंग पे लाना पॉसिबल नहीं. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब क्लिनिकल एंजाइटी, सब क्लिनिकल डिप्रेशन एंड सब क्लिनिकल लेवल ऑफ स्ट्रेस. सब क्लिनिकल का मतलब ये है कि कम्युनिटी एट लार्ज को जो पैंडेमिक एंजाइटी हुई है, पैंडेमिक स्ट्रेस हुआ है, पैंडेमिक ओरिएंटेड डिप्रेशन हुआ है, एक सेंस ऑफ स्नेल है, डेसोलेशन है, कंजूसी है, नाकामी है, लॉस ऑफ कंट्रोल है, फिर यारो मददगार है जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हालात है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और रीजंस ड्यू टू विच वी आर गोइंग थ्रू सच स्टेट्स. और वो क्यों हो रही है कि पहले तो ये है कि हम लोग हमेशा से बचपन से हमें सिखाया जाता है, वी आर मेड कंडीशन थ्रू आर रियरिंग प्रैक्टिसेस कि हमें चीजों को डोमिनेट करना है, उनके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करनी है, कंट्रोलिंग रहना है, हमने अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर करना है, डिसिप्लिन करना है, परफेक्शनिस्टिक टेंस पे रहना है. तो ये जो टू मच ओवर पावरिंग इन टू आर लोकल सर्कमस्टेंसेज आर इन आर पर्सनल लाइफ सर्कमस्टेंसेज में जो कंट्रोलिंग का फिनोमेना है ना, होल्डिंग का फिनोमेना, इसने हमारे रिलेशनशिप्स भी खा लिए हैं, इसने हमारे पर्सनल माइंड स्टेट्स को भी खा के रख छोड़ा है. We talk about pandemic anxiety, pandemic depression, pandemic oriented loneliness, but we forget that these are the mood states that were already existing in our community at large. किटिंग एडवर्ड की ही एक रिसर्च है जो आपको बताती है कि 62% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन, डॉक्टर आफिया की अपनी रिसर्च है.